अपनी रहे सलूक में चुप रहना मना है, चुप रह गए तो जान से जाते रहेंगे हम। महंगाई इस कदर है, बचत करना है मोहाल, खाते रहेंगे और कमाते रहेंगे हम। कभी इफ्तारी पे हमको बुला लें, ये मौसम हम गरीबों की दुआ लें, तुझ वतन पे हमने जाने वाली हैं, वर्ल्ड कप की हो रही तैयारियां हैं। भाई मियां रिपीट होगी क्या हिस्ट्री? चलो फिलहाल तशरीफ ला रहे हैं वासु चौधरी। दुनिया न्यूज़ का मुज़ाकरात कुछ आने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं आज? फिर आपने बालों के साथ? जी मैंने आज डिजाइन सर बनाया। क्यों बनाया? नहीं सर, वो कभी कभी मेरा जी चाहता है। बहुत सारे मुझे ना लेटर आते हैं। क्या मैसेजेस आते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं जरा सेंट्रल अचीर कड़ो, थोड़ा मुंह होर इंज दा हो जांदा। लोग तो मैनू मैसेज करी जांदे कि होर खुला चीर कड़, मैं इस तो खुला किड्डा को कड़। ए मेरी जान खुला निकल सकदा, लेकिन कंघे ना नहीं कवाड़ी ना। नहीं वैसे आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे वाह, आज पहली दफा मैंने आपको देखा, सिंपल है बिल्कुल आप। अच्छा, इंटरनेट यूज कर रहे ने भाई जिंदगी दे विच? असल में और काफी ने कोई नहीं किया इसको। इंटरनेट ने बर्बाद किया मतलब? सर आजकल तो ऐसा निजाम है, लोग रोते भी इंटरनेट पे हैं सर। मसलन के सर जिन्ना यूज हो रहा है ना वैसे पे इंटरनेट, कि 4-5 साल बाद किसी ने फौदगी ते जाना ना ते उस जुबान ची अफसोस करना है। बल्कि रोते हुए लोग ये कहते हाय इन्नी माँ प्यो की इज्जत नहीं सी करता जिन्ना फेसबुक फ्रेंड की इज्जत करता। मरण वाले नु कह रहे ने इतना नेकता है, 24 घंटे ऑनलाइन रहता था। इंटरनेट नाल इतना प्यार करते सी जिन्ना ही रांझे नु करती सी, यकीन करो। इसका क्या करूं? देखो उसका बेटा याहू कितना रो रहा है। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हें टैंगो का वास है, चुप हो जाओ। मैंने अक्सर घरों में जाके देखा, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे घरों में मैंने देखा। हाँ। सब लोग अलग अलग बैठे हैं। सही बात। अच्छा, एक ही घर में रहते हुए अलग अलग है और किसी को किसी की खबर ही नहीं क्या हो रहा है। तो यानी कि आपके ख्याल में ये जो चीजें हमें इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है स्मार्टफोन्स के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, ये सब कुछ जो है ये नहीं होना चाहिए? इंफॉर्मेशन की हद तक, जहां तक जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं सर। मसलन के एक कमरे च बाप अपना मोबाइल से लगा, बीवी अपने मोबाइल से लगी, बच्चे अपने मोबाइल से लगे ने, इंज लगता नवा पाकिस्तान बन रहा है। बच्चे पूछण लई खाना खा लो, मैसेज तो कह रहा मैं नहीं अभी खाऊंगा, नाल नाल बैठे गल नहीं कर रहा। ठाकुर साहब की बीवी ना बच्चों पूछती बेटा क्या खेल रहे हो? मैं सांप वाली गेम खेल रहा हूँ। इसको छोड़ो तुम पापा को देख लो। तो बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, MPA हैं पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और साथ ही साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबकी तालियों में चौधरी आदिल परवेज गुजर साहब। तशरीफ लाई हुई हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर बनना चाहती थी और साथ ही साथ फिर किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि मॉडल और एक्टर बन गई हैं मोहतरमा ज़ूबी मजीद। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान आज बिल्कुल यंग पार्लियामेंटेरियन है। दोनों ही यंग पर एक मिसाल है। अच्छा, मिसाल और दोनों यंग हैं। अच्छा, अच्छा। और शेर मेरा आज बड़ा खास और जनरल शेर है। अच्छा, अच्छा। अच्छा। उन्हें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। उन्हें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। क्या अच्छा। अगर ये हौसला हम नातवानों में होता, इसी एजेंडे की हम सब भी पैरवी करते। हुकूमत लुटदी है खजाने नू, उस टाइम अवाम नू कुछ अरसा सौना पैंदा है। अक्सर सितारों से ये आवाज आती है। क्या
अब तो सो जा फिर सुबह उठने में मौत आती है। हाय हाय। खुश नसीब है खावन दुनिया में वो वासे जिसकी बेगम हफ्ते के लिए मेके जाती है। साहब आपने आखिरी वाले शेर को बहुत एंजॉय किया। जी ये माशाल्लाह ये जो सितारे बैठे हैं इनका ज्यादा तलक हमारे शहर फैसलाबाद से ही है। अच्छा तो हम समझते हैं कि फैसलाबाद का जो नाम है उसमें इनका भी बड़ा अहम रोल है। और माशाल्लाह गुजर साहब की सेहत देखो माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। कद फैसलाबाद तो गड्डी ते नहीं आए संडे ते बह गया है। एक तो उन्होंने आते ही तुम्हारी तारीफ की सर साडे वड्डे भरा ने फैसलाबाद ने बड़े प्यार है तुसी इजी रहो तो आप क्या फैसलाबाद वाले आपस में इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स लौटाते हैं गाल ही इंज यकीन कर असल में ये कट्टे पे बैठ के आया ना जी। ले कट्टा फिर असि नाल भी ते बिठाया ना गुजरां दी इज्जत मैं सब तो ज्यादा करदा जी क्यों आ वेखो किड्डी अच्छी वेस्टकोट पाई है किड्डा सोहना सूट पाया जराबा नु गोया जरूर लगा होगा मैं ये बड़ी डिजाइनर जुराबे लग रही है मुझे और जूते भी क्यों सही कह रहा हूं मैं आदिल साहब मैं इनको नहीं ला दूंगा जी मुझे पता चल गया ये जो कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये आप उसमें जो है इस तरह से डिमांडें पेश करते हैं दूसरे को नहीं आदिल भाई वीर जा मगर मुझे ये बताइए ये जो आपने आखिरी शेर था ये बहुत एंजॉय किया तो खास वजह थी इसकी इस शेर को सारे एंजॉय करते हैं यार सब क्या हालचाल है जी बिल्कुल ठीक ठाक शो तो आपने देखा हुआ है जी बिल्कुल देखा अंदाजा आपको है बिल्कुल है मूछे आपकी बड़ी जबरदस्त हैं और लगता है कि बहुत जोर लगा हुआ है इनके ऊपर तो ये कितने अरसे से हैं ऐसी जब से मेरे आई है मैंने कभी कटवाई नहीं। अच्छा जो एक बार आ जाए उसको वापस ही भेजते नहीं मतलब वो क्लीन शेप जो है वो नहीं कभी करवाई वैसे तो सेटिंग सूट तो ए राणा सनावला साहब दी मुछां नु तेल देंदे हो इना दी नु देंदे हां ये वैसे अच्छी आपने की राणा साहब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है तो ये क्या कुछ उस किस्म के डिजाइन की हैं नहीं 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 वो उनकी और तरह की हैं मेरी और तरह उनकी नून लीग वाली हैं आपकी पीटीआई वाली हैं ऐसा ही समझ ले मूंछों के लेवल पे तफरका कैसे होता है उनकी मूंछों पे उनकी तरह बल बड़े हैं हमारी पीटीआई वालों की सीधी सीधी हैं वैसे वैसे आपको कैसे लग रही है इनकी मूंछें वैसे मुझे क्लीन शेव अच्छे लगते हैं ले लो 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 आप खुश मत आपको नहीं कह रही थी नहीं नहीं आप ना भी कहें तो मैं तो समझ गया हूं ना मगर मुबारक हो रखी आपको नहीं लगा कि आपके ख्याल में इनको क्लीन शेव ज्यादा सूट करेगी मैं इनका नहीं कह रही थी मैं एक जनरल बात अच्छा, कर रही जनरली ही आपने कहा कि मूछे पसंद ही नहीं है हाँ अच्छा मूछे पसंद ही नहीं है तो गुजर साहब ये तो मिस हो गई मुझे हर बंदे की एक जैसी चॉइस तो नहीं होती तुसी ला के जेब च रख लो ना मैं अभी तक ना उतारी इतने साल हो गए 21 साल से तो रखी होंगी कम से कम आप 15 साल से मुझे रखी हुई हैं और तुम कह रहे हो उतार के साइड पे रख दें क्या बात कर रहे हो तुम 15 साल तो मुछा रखी हैं वैसे तो अनु जरूरत है तो ला देंगे अच्छा माशाल्लाह अपना हमाम भी दीदी टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ रही थी जी क्या हुआ ऐसा कि आपने कहा कि नहीं अब मैं बनाऊंगी नहीं कोई मेरे लिए बनाए फिर मैं पहनूंगी बस आई थिंक इट्स ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपनी डिप्लोमा कंप्लीट किया टेक्सटाइल का और मैं जॉब कर रही थी एज अ टेक्सटाइल एग्जीक्यूटिव बट आई थिंक इट्स डेस्टिनी किस्मत के ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि मैंने सोचा क्यों ना ट्राई लिया जाए तो यानी कि जब आप लोगों को वैसे देखती होंगी तो कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रही अपनी डिग्री मगर आप जब लोगों के कपड़े देखती होंगी तो आप गेज तो करती होंगी कि ये अच्छा कट है नहीं है सही सिले में सही करती हैं वो बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग है ऐसी बाय डिफॉल्ट हो जाता है अच्छा तो चलें मूंछें तो उनकी आपको नहीं लगी तो ये बताएं कपड़ों के बारे में गुजर साहब क्या कहेंगे स्त्री नहीं है यार लग रहे थे तो ऊपर वेस्टकोट पाई उनको बताने दो ना तुम ना बीच में डिजाइनर बनो आप बताएं नहीं अच्छे हैं अच्छे हैं वैसे अगर आपसे कभी कहें आदिल साहब के जी आपके ख्याल में मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए स्टाइल क्या होना चाहिए तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको वेस्टकोट अगर प्लेन होती तो ज्यादा अच्छा लगता वेस्टकोट प्लेन हो आदिल साहब एक उन्होंने कहा और बताइए बस बाकी सारा सही है जूते जुराबे और बाकी चीजें पूरी लुक साथ जा रही है उनके बिल्कुल आपको और लुक तो नहीं उनके लिए रिकमेंड करेंगे कोई सूट पहन लें बिल्कुल भी नहीं जीन्स टी शर्ट में आपको आपके ख्याल में आदिल साहब ज्यादा बेहतर लगेंगे नहीं मतलब शलवार कमीज ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अच्छा ये देखें आदिल साहब आप शलवार कमीज ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या बात है हम दो कठिया पा लो तो
इनकी बातों को मलूज़े खाते रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे जी, अच्छी बात है। उन्होंने तो यहाँ से निकलते ही वापस आपने फैसलाबाद जाने से पहले बीच में लिबर्टी रुकना है और कुछ 6-7 कलरों की उठानी है बेस। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हैं प्लेन भी। अच्छा, प्लेन पड़ी है, उनके ऊपर फोकस देंगे। आपने इमरान खान साहब को वोट दिया, ठीक है, और आप खुश हैं इस वक्त पीटीआई की जो हुकूमत चल रही है उससे? बहुत बहुत खुश हैं जी। फिर तड़को अपनी गड्डी नहीं होनी। में रोजगार को आसान बना दिया, उनवान था मैं मुझको बदउनवा बना दिया। ऐ वर्करो तुम्हारी अताहत की खैर हो, जमहूरी हुक्मरा को ही सुल्तान बना दिया। महंगे से रेस्टोरेंट में मुझको बुला लिया, मेहमान था मैं मुझको मेजबान बना दिया। ये सब डॉलर जिन्हें उत्ते जा रहे हैं, हुन सानू उत्ते जाके खर्चना पेगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आदिल साहब, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में हमें जरा बताएं। बड़ा एक ये इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है जी, जिसके बारे में आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों को जानना चाहिए कि जो पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के साथ जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, तो आप जरा रोशनी डालिए इस पर। मेरा ख्याल है कि हमारे इस मुआशरे में जितने भी आप फैक्ट्रियाँ देख लें, कारखाने देख लें, ये जो भट्ठे हैं ईंटों वाले ये देख लें, 67 मेरा ख्याल परसेंट कब किसी के पास कोई एनओसी नहीं है, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, सारे इसी तरह 2 नंबरी पे सारा काम चल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह ताला अभी हमने ब्रीफिंग ली है, तो बहुत जल्द हम इसके ऊपर भी एक कानून लेके आएंगे और हर चीज़ को लीगलाइज करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो माहौल ख़राब हो रहा है दिन ब दिन हमारे ख़ास तौर पर शहरों में, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी एक तरीकाकार बनाएंगे। मगर मुझे बताएं सर, जो इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं इनके अंदर जो तरीकेकार इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन के लिए इस वक्त जी, इनको एड्रेस करना ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई अल्टरनेट मेथड जो दुनिया भर में अब यूज़ हो रहे हैं वो अगर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जाएं, क्योंकि सिर्फ दरख्त बेचारे पे तो जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। फैक्ट्री और कारखाने हैं, इंशाल्लाह उनको शहर से बाहर निकालेंगे और उनके जितने भी जो चीज़ें लीगलाइज नहीं हैं इंशाल्लाह उनको एड्रेस करेंगे, उनको इंशाल्लाह लीगलाइज करवाएंगे। हल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो फैक्ट्री है इनको आप शहर से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। आपके ख्याल में आप लोग ये कर पाएंगे? आप देखें कि बड़े बड़े आपके ही पार्टी के लोग भी निकल आएंगे, सपोर्टर निकल आएंगे, जिन्होंने बड़े बड़े पैसे दिए होते हैं कैंपेनों के अंदर, इलेक्शन कैंपेन्स में, जिनकी फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर हैं, तो शहर से बाहर जाना तो एक बड़ा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने अपनी नीयत और कोशिश करनी है इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, अपनी नीयत भी दिखाएंगे और कोशिश भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो आपकी पार्टी के हों या किसी और पार्टी के भी हों, आप लोग उनको आड़े हाथों ले सकें इंशाल्लाह। जो सब डॉलर जिन्हें उत्ते जा रहे हैं हुन सानू उत्ते जाके खर्चना पेगा। वैसे बुज़दार साहब से मुलाकात होती है आपकी? जी बिल्कुल होती है। कैसा पाया आपने उनको? खामोश। जो पहले इदवार में जो सीएम रहे हैं, आप देख लें कि 3-3 साल 20-20 एमपीए इकट्ठे होकर टाइम लेते थे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं उनकी। लेकिन मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि आप 12 बजे आप आ जाएं हमारे पास, आप कहें कि आपके सीएम को मिलना है, अगर वो लाहौर में मौजूद होंगे तो मैं इंशाल्लाह 5 बजे आपकी उनके साथ मुलाकात कराऊँगा। जो भी आपने देखा हुआ उस्मान बुज़दार साहब? नहीं देखा हुआ आपने उनको? आपको पता है वो कौन है? नहीं। आपको नहीं पता उस्मान बुज़दार साहब कौन है? मैं सॉरी, न्यूज़ नहीं देखती, आई एम सो सॉरी। अच्छा चलें ठीक है, न्यूज़ नहीं देखती। मुझे ये बताएं, आपको ये पता है शाह महमूद कुरैशी कौन है? जी। वो कौन है? वो पीटीआई से, इतना पता है। कायम अली शाह साहब का पता है? बिल्कुल। वो कौन है? वो सिंध के हैं। उन्हों सिंध के क्या हैं? वो सोते रहते हैं हर वक्त। उनकी वो मीम्स आती है ना, वो सिंध के वो हैं जो सोते रहते हैं, मतलब। अच्छा यार, कोई असेंबली में होते हैं? असेंबली में क्या कर रहे होते हैं वो? आई थिंक सोते ही रहते हैं शायद। आप बताएं असेंबली में क्या कर रहे होते हैं वो? सबर। अच्छा मुझे पता, आरिफ अलवी का पता है? बिल्कुल। वो क्या है? प्रेसिडेंट है। शुक्र है, मतलब ये इतना तो हम पूरे पहुंचे। शुक्र। के और मुराद अली शाह? पता नहीं, उनका भी नहीं पता चला ना, हमें भी नहीं पता चला। और वसीम अख्तर साहब का पता चल रहा है? वो एमकेएम के आए थे। बिल्कुल। हां एमकेएम के, वो क्या कर रहे हैं आजकल? वसीम अकरम के भाई हैं वो। नहीं यार, वो दूसरे वाले, ये शोएब अख्तर से बड़े वाले हैं। जी मगर बताएं वसीम अख्तर का पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं एमकेएम से? सिटी नाज़िम आई थिंक।
सिटी नाजिम ये तो फिर आप कॉन्फिडेंटली बोले हाँ तो वो नाजिम है कराची के, तो यानी कि जो आपके शहर के मसाइल हैं वो उन्होंने हल करने हैं, जो सफाई वगैरह और ये वो चीजें हैं वो सारी उन्होंने हल करनी है, ठीक है। तो ये आप और ये जो मुराद अली शाह साहब हैं ये चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, ओके ठीक है। कायम अली शाह साहब जो थे वो पहले थे, अब वो कुछ नहीं है, सही है, अब वो सिर्फ कायम अली शाह हैं और वो कायम हैं। तो बुज़दार साहब दा विधवा था, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, ओके, यानी कि इनके हेड हैं वो, इनकी पार्टी से ताल्लुक है, ठीक है सर, सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात। उनका याद करके होना जे बेरोजगारी हुई पई, नुकसान ते नुकसान हो रहा, समोसे पकौड़े वेचे, एक भी पकौड़ा समोसा नहीं विके, क्यों सारी टाइम ला ले भाई। हाँ जी शहरी में कौन लगाता है ताड़ा भरा यार तू काम और कोई कर ला, कोई जरूरत केड़ा काम करन है तू, क्या बात मशवरा ते तू एनजी दे रहे जमे मलक रियाज दा कजन होना तू की हाल है? मैं ठीक ठाक, इन बेचारों को काम चाहिए ना तो मैंने अपनी बाबा की फैक्ट्री में काम दे देती। तेरे बाबा की केड़ी फैक्ट्री, लच्छे वाली है ना बाबा की फैक्ट्री, कारोबार होने मोबाइल गुजर साहब, इनसे को मदद मांगो, उन्होंने अपनी सीट की फिक्र पई हुई है, फिर तू धरना दे दिए फिर दोबारा, नहीं धरना ना दे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कोई हल कटोगे मेरे कारोबार दा ताड़ी मेहरबानी, मैंने कोई कारोबार करा दियो मैं चल जाऊंगा। उन्होंने कहा तो है कि आप फैसला पर जाके मिल लीजिएगा ना उनसे, ठीक है पक्की गल है, की कराओगे पेंचरां दी दुकान बना दे क्या बात, तुझे तो नहीं पढ़े लिखे क्यों? अच्छा सुन बात सुन यार, हेलो हाँ जी, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ आजकल, मुझे एक मैनेजर चाहिए, मेरा मैनेजर बन जा तू। कौन बिजी? अरे क्या, हाँ हाँ सीरियसली, एक ही घंटे भी रे तू सोना होंदा, दो घंटे एक्सरसाइज करनी होंदी है, एक घंटा शेरो शायरी करनी होंदी, तू बड़ा बिजी है। तो इससे पहले भी महंगा हुआ है हाँ। लेकिन ओवरऑल आप देख लेना कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। रखत इसलिए तो नहीं लाउंड है कि गड्डियां बेच के तो छावे छावे होकर निकल जाओ अपने घर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आदिल साहब को फिल्में वगैरह देखते हैं? कभी टाइम ही नहीं मिला। कभी मिला ही नहीं, मतलब कोई देखी नहीं? अगर मिल जाता है तो ले, फिल्में शिल्में तो खैर कभी नहीं देखी। ड्रामा देखते हैं? ड्रामा वो देखा था काफी देर पहले, धुआं और वो एक सर ये तो 92 के थे जी हां बिल्कुल, बचपन मतलब उसके बाद से लेके पिछले कोई 28 साल में कोई ड्रामा ना देखा। नहीं इसी तरह है ना, कभी गुजरते हुए कोई किसी पे नजर पड़ गई हो तो। फिल्में तो वैसे कहें तो दिन में मेरा ख्याल तीन तीन चार चार चलती फिरती नजर आ जाती है। ये कौन सी फिल्म है? दुनियादारी की फिल्म है। म्यूजिक से कोई लगाओ? म्यूजिक खान साहब को बड़ा सुनते हैं। इमरान खान साहब? नहीं नहीं, नुसरत फतेह। नुसरत फतेह नुसरत साहब को, इब्राहिम लाख को किसी जमाने में बड़ा सुना है। अच्छा तो ये इब्राहिम साहब को आपने पार्टी ज्वाइन करने के बाद शुरू किया? नहीं पहले का, पहले से ही। हाँ उसके बाद तो बल्कि सुना ही नहीं है जब से पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद उनसे क्या नहीं हुआ? नहीं उसके बाद वो भी खैर मसरूफ ही हैं बहुत, उसके बाद तो मेरे ख्याल कोई उनके खास गाने तो नहीं है। वो आपने आपने वो गाना सुना हुआ प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले? बिल्कुल सुना है। कैसा लगता है? ठीक है आपके चेहरे पर गाना सुनने की हद तक ठीक है ना जी, जो आप कहलवाना चाह रहे हैं वो तो नहीं होगा। मैं क्या कहलवाना चाह रहा हूं? अभी जो आवाम का धुआं निकल रहा है वो देख रहे हैं कि नहीं? किस आप महंगाई के हवाले से? पेट्रोल के हवाले से? पेट्रोल इससे पहले भी महंगा हुआ है हाँ। लेकिन ओवरऑल आप देख लेना कि आलमी मार्केट का रेट है उसके मुताबिक, कुछ हमारे मुल्की मसाइल भी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दरख्त इसलिए तो नहीं लाउंड है कि गड्डियां बेच के तो छावे छावे होकर निकल जाओ अपने घर। Whoa!
आप आ रहे हैं बनी गाला फिर से इसके बगैर भी होता है बनी गाला और मैं सवेरे उठा ना ओ तुहाड़ी भरजाई मैनू कहंदी खर्चा दे के जाना अच्छा क्योंकि मेहमान आ रहे ना अजकल महंगाई ज्यादा हो गई है मैं घबराना नहीं अच्छा आ रहा हूं मैं वापस ठीक है पैसे लेके आवांगा क्या उस्मान मजेदार साहब को मजेदार साहब मैं क्या सर एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया आया अच्छा गो टू द बनी गाला ठीक है गए तो मैं विराट डाले से बह के अगो मोहतरम जनाब इमरान खान साहब हैज बिन ओए होए अच्छा वाह जी वाह खान साहब एक्सरसाइज कर रहे थे एक्सरसाइज कर रहे सन ठीक है मैं कह सर आया देखो मैं की लेके आया ये क्या है मैं कह सर लिस्टन लगाओ हर पासे पब्लिक बड़ी परेशान है ये किस किस्म की लिस्ट है कहाँ लगनी है मैं कह सर आलू वाला समोसा हाँ 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हाँ घबराना नहीं ओके चिकन वाला समोसा 25 रुपए से 30 रुपए घबराना नहीं दही 80 रुपए से 95 रुपए घबराना नहीं तरबूज 15 रुपए वाला 25 रुपए घबराना नहीं दाल मसूर 175 तो 200 रुपए किले घबराना मैं कह सर ए लाओ अच्छा हर जगह के उत्ते ठीक है ताकि बंदे बंदे ने पता होने भी घबराना नहीं और सबके आगे लिखा हुआ हो घबराना नहीं ये ठीक है ते ए मैं पेश कीता उसके बाद फिर उन्होंने जो मेरे नाल कीता अच्छा भई ये हालात हो गए ने कि हर बंदा घबराया पिया हाँ। जरा जे मईशत काबू आ गई ना हाँ। साल डेढ़ साल दो साल तो बाद मुल्क दी सिचुएशन बेहतर हो जाए इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं कई जाना होवे या ना होवे अबे हो हमारे पास उनके पार्टी के मेंबर बैठे हुए तो मांगे से ओ माशाल्लाह मजर शाह साहब चाचा जी ड्यूटी की पहली बार बने ने इना चाचा जी माशाल्लाह 3 बार एम पी हो क्यों जी इना वालद साहब बड़ी खिदमत करते ने गुड ओए वेखी नहीं सेहत फैसलाबाद की खिदमत करते होगे ओए फैसलाबाद दे लोगों दी बड़ी खिदमत करदे ने ते मैडम भी अपना माशाल्लाह पीटीआई दे ने नहीं हां ओही मैं सोच रहा भी ये ते पीटीआई दे नहीं ए ते कोई ग्लूकोस टैप ग्लू अदाकार अदाकार ने हां ओ मेरा नाम यूसुफ अच्छा ओए सीरियल सी ना तुहाडी मैं नहीं देखी तुम्हें पता कैसे उनके सीरियल का फिर नहीं नहीं वो ना जब अपना अखबार जड़ी जैसे लेने ना हाँ। तो प्रोग्राम आउंदे ने ना हाँ। वो फिर मैडम दी फोटो लगी हुई सी तो तले लिखे सी मेरा नाम यूसुफ ओके हां आइंदा तो सी लुखाना मेरा नाम अफजल आवे हल्का जा हां भाई असी फैन है ना तुम्हारे भाई असी अगर फैन ना होइए तो की फायदा है काम करन बिल्कुल ए फैन सर कैन आई हैव अ वन फोटो प्लीज जी श्योर टाइटर चलाना भी आंदा तेरी ख्वाहिश नहीं पूरी होनी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी अजीबोगरीब क्या है बा जी आज की अजीबोगरीब खबर ये है कि एक दुल्हे ने जहेज में महंगी चीजों का मुतालबा किया जिसकी वजह से दुल्हन के घर वालों ने उसे गंजाही कर दिया दरअसल दुल्हे का पहले ये कहना था कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन ऐन शादी के मौका पर उसने महंगी चीजों का मुतालबा किया जिसकी वजह से लड़की के घर वालों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे गंजाही कर दिया अकरम साहब तुसी जहेज क्यों मंगया मैं तो इस करके मंगया मैं मेरी टेंड केड़ी कोई पहली हरी होनी
ਆ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਵੇ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁੱਲੀ ਟਿੰਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਟਿੰਡ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮਾਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਟਿੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਈਦ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਵੈਸੇ ਸਰ ਆਪ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿ ਜਿਸਮੇ ਜਹੇਜ਼ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਆਪਕੇ ਇਲਮ ਹੋਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ जी बिल्कुल ये हमारा मुआशरा और अगर आप देखें कि इस्लामी लिहाज से भी तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए पाबंदी होनी चाहिए ना ये बिल्कुल होनी चाहिए तो आप लोगों के पास है उम्मीद करता हूँ ऑल दो ये नून लीग की लॉ मेकर हैं हिना परवेज बट उन्होंने शायद कोई भी लेके आए जो अच्छा काम है उसके लिए हम इंशाल्लाह बिल्कुल अप्रूव ये ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी एक ज्यादती है जो कि हमारे यहाँ पे पता नहीं अब सैकड़ों भी खैर छोटा लफ्ज लगता है मुझे लाखों घरों के अंदर ये बिल्कुल ऐसे हो रही होती है रोज की बिना पर और एक ये इसका जो एक भार है वो आपको एक उम्र उठाना पड़ता है इस भार को और इवेंचुअली आप उसको उतारने की कोशिश करते हैं बच्चियों की शादी के ऊपर सो आई थिंक ये बड़ा एक नेक कार्य खैर होगा अगर आप लोग इसके बारे में सीरियसली कुछ कर सकें जी बिल्कुल सर 2020 का सेगमेंट है हमारा जिसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा सात ऑप्शन दूंगा आप लोगों ने उनमें से अपना जवाब ढूंढना है कहीं पर आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में से सवाल उठा सकते हैं मकसद ये है कि आपने जवाब देना है या इस तरफ ठीक है डिप्लोमेटिक होने का चांस नहीं है इसमें आपका सिर्फ मार्जिन ये है कि आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं तो कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा मुझसे शुरू कर लें आपसे शुरू करें ठीक है जी शेरे बबर ले जी आदिल साहब 5 साल नंग लें तो शुरू करना ये बताइए खान साहब ने बुलाया बनीगाला और आप गाड़ी चला के खुद जा रहे हैं कोई से 4 लोग आपके साथ गाड़ी में आपके और मजीद बैठ सकते हैं वो कौन से 4 होंगे जिनको आप अपने साथ गाड़ी में बिठा के लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं अलीम खान उस्मान बुज़दार चौधरी सरवर फयाजुल हसन चौहान और शाह महमूद कुरैशी साहब चौधरी सरवर साहब उस्मान बुज़दार साहब फयाजुल हसन चौहान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब अलीम खान को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया ठीक है जी ये बताइए सर मजबूरी के तहत आपको एक तस्वीर बड़ी सी ब्लो अप करा के फ्रेम करा के अपने कमरे में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस पर पड़ेगी सबसे पहले इनमें से किसकी तस्वीर होगी वो ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आसिफ जरदारी और मियां शहबाज शरीफ जनरल नॉलेज पे चले गए हैं जी सर ये बताइए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आपने सुना होगा यूएस स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस मुल्क ने तोहफे के तौर पे दिया था शहबाज शरीफ तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर ब्लो अप करा के लगानी है ठीक है मुझे जवाब मिल गया सर ये बताइए एक चेयर लिफ्ट है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में जाकर रुक गई है ठीक है आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं 6 से 8 घंटे ये चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हिलनी क्योंकि मदद आने में टाइम लगेगा इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बिठाना चाहेंगे 6 से 8 घंटे के लिए ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो बिलावल ठीक है जी कोई खास वजह वो अभी नौजवान है अच्छा तो उनके साथ बात हो सकती है ठीक है बिलावल भुट्टो साहब आपके साथ हो सकती है बात ये बताइए सर एक लॉन्ग फ्लाइट पर जा रहे हैं अमेरिका 13-14 घंटे की फ्लाइट है आप बैठे हुए बिजनेस क्लास के अंदर आपके साथ वाली सीट खाली थी आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और आपके साथ आके वो खड़े हो गए और देख रहे हैं कि अगर आदिल साहब इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएंगे उस सीट के ऊपर तो इनमें से किसको उस सीट के ऊपर बिठाना चाहेंगे आप अगले 13-14 घंटे के लिए जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं कतरीना कैफ और फयाजुल हसन चौहान फयाजुल हसन चौहान खास वजह मेरे अच्छे दोस्त हैं वो अच्छा मेरे कोलीग हैं ठीक है बरादरी है ठीक है फयाजुल हसन चौहान साहब सही रहेंगे ठीक है जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने ये बताइए सर मोटरबाइक चला लेते हैं आप जी चला लेते हैं अरे वाह 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 सर फैसलाबाद से निकले हैं आप हैवी बाइक के ऊपर 1000 cc की बाइक है स्पेशल परमिशन आपने ली हुई है मोटरवे पे आप दंदनाते हुए जा रहे हैं हेलमेट आपने पहना हुआ है और धूम 3 इस वक्त आपके जेहन में चल रही है और आप देखते हैं कुछ लोग साइड पर लिफ्ट मांग रहे हैं अब आपने किसी एक को लिफ्ट देनी हैवी बाइक पर अपनी तो वो कौन होगा जिसको आप लिफ्ट देंगे ऑप्शन आपके पास हैं राना सनाउल्ला और माहिरा खान माहिरा खान मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्ला के जो मामला हैं उससे तो बेहतर ही है कि चलो उसको फैसलाबाद से लाहौर तक की सैर करवा दूं
तो राणा साहब आप नहीं है, मायरा खान आप बैठेंगे हैवी बाइक पे पीछे। ठीक है जी, ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब की जान बचेगी, बहुत सारा तालियां इनके लिए। जूबी जी, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी ब्लो अप और फ्रेम होने के बाद आपके कमरे में लगेगी, रोज सुबह आपकी नजर उस पर पड़ेगी, वो तस्वीर इनमें से किसकी होनी चाहिए ये फैसला आप करेंगी। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और मुराद सईद। आपको मुराद सईद का इल्म है? बिलावल भुट्टो, मुराद सईद का नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब आप होंगे वो, ठीक है फाइनल हो गया। ये बताइए इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफा और फवाद खान। फवाद खान का फोन उठाऊंगे। फवाद खान आपका फोन उठेगा, मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा को, और फोन बंद किसका कर रही हैं? हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी साहब आपका फोन होगा बंद अगर आपने कभी कॉल की तो। चेयर लिफ्ट पे बैठी हुई हैं, 7 से 8 घंटे नहीं हिलनी, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगी चेयर लिफ्ट के ऊपर? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी ये? ठीक है मैडम। डॉक्टर इलाम मोहम्मद इकबाल का तारीख पैदाइश साल और डेट के साथ बताइए। रामा है। आप चाहें तो सवाल वापस जा सकती हैं। मगर मुझे दोनों में से किसी को नहीं बिठाना। तो फिर आप इधर ही कंटिन्यू करना चाहेंगे? मुझे ये भी नहीं पता, तो मैं आगे बढ़ूं। ये बताइए कि पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी? तीन बहादुर। सही जवाब। ये बताइए मैडम, आपने तो टाइटैनिक देखी हुई है? बिल्कुल। ठीक है जी, टाइटैनिक पे जाने का वक्त आ गया है, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, वो दूसरे वीआईपी पास पर आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फवाद खान और चौधरी आदिल गुजर साहब। फवाद खान मेरा फेवरेट है। आप फवाद खान से कभी मिली हैं? नहीं। आप उनसे मिली नहीं है, अगर आप चौधरी साहब से मिल चुकी हुई हैं, इसके बावजूद आप फवाद खान का नाम ले रही हैं? इन्होंने ले जांदे, इन्होंने टाइटैनिक चलाना भी आंदा। तेरी ख्वाहिश नहीं पूरी होनी। और बैठे हुए आपके साथ हैं लेकिन गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं, तो आप बताइए आपका क्या फैसला है, फवाद खान या चौधरी आदिल गुजर? फवाद खान। फवाद खान साहब जाएंगे टाइटैनिक पे आपके साथ। ओए होए होए होए, खून खोशे हैं। चलो तुसी दसो अपना। ये बताइए, आप भी एक लॉन्ग फ्लाइट पे हैं, बैठी हुई बिजनेस क्लास, साथ में सीट खाली है, लोग आते हैं कि हम आपको बिठाना चाहते हैं, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं अली जफर, डॉक्टर आमिर लियाकत और चौधरी आदिल। आई थिंक मैं इन्हीं को बिठा लूंगी। इनको बिठा लेंगी, कोई खास वजह? ऐसे ऐसे पहले ऑप्शन में नहीं किया ना, तो अब दे दूं। चौधरी साहब उन्होंने खोश रहे। मगर बात सुने, बिठा तो आप लेंगी लेकिन वो तो कोई बात ही नहीं करते। तो मैं गाने सुन लूंगी और वो बैठे रहेंगे। हाँ? नहीं, बात हो सकती है, बात क्यों नहीं हो सकती? क्या बात करेंगे आप? वैसे ही मतलब जैसा कि जहाज उड़ रहा है। तो क्या बात करेंगे जैसे बताएं मुझे? वैसे जनरली कोई भी कोई इनकी जो ड्रामे वगैरह हैं उनके हवाले से। अच्छा, कोई इंडस्ट्री के हवाले से, कोई वैसे ही कोई सियासत में अगर इनको थोड़ी बहुत दिलचस्पी। वो तो कह रही मुझे कोई दिलचस्पी नहीं सियासत में, तो कोई ना कोई इशू तो आ जाएगा, बात हो जाएगी, आप तसल्ली रखें। अच्छा, मैं तो तसल्ली रखूं, ठीक है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद और चौधरी आदिल गुजर। इनको। कोई खास वजह? इनसे मिल ली ना मैं। सॉरी, इनसे मैं मिल ली अब ना? एक घंटे से एक प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। अब इनसे तो मिल ली, मुझसे मिल लिया है, तो मतलब उनसे अभी इन्होंने मिला भी नहीं, वाको। हाँ। भी नहीं। हुमायूं सईद का आप नहीं मिली हुई इसलिए आपने उनको डबो दिया। हाँ। हुमायूं सईद साहब आप डूब चुके हुए हैं क्योंकि चौधरी आदिल गुजर साहब मैदान मार चुके हुए हैं। और आप वैसे ही कहते रहे और ख्वातीन से सुनते रहे कि पंजाब नहीं जाऊंगी, जिन्होंने फैसलाबाद जाना था वो चली गई हैं। मगर चॉइस साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो भी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। डीजे भाई आ जाएं फिर।